मुझे खेलना है गुड़िया से। नहीं मुझे दो। अबे छोड़ दो शराफत से, वरना मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैं मम्मा को बताऊंगी कि आपने गुड़िया तोड़ दी। नहीं मैं मम्मा को कहूंगी कि बहना ने गुड़िया तोड़ दी। मैं मम्मा को बता के आऊंगी। बहुत अच्छा हुआ ये गुड़िया टूट गई। पूछा क्यों? ये इसलिए कि अगर आप दोनों मिलके खेलती तो ये नुकसान ना होता और आप दोनों आराम से खेल सकती थी। लेकिन हमेशा इस बड़ों ने ऐसे नहीं कहा कि इत्तफाक में बरकत है। जब भी कोई बच्चा जिद करता है और वो चाहता है कि सिर्फ चीज़ उसकी हो और वो मिलके दूसरों के साथ नहीं खेलता है तो यही अंजाम होता है। आप दोनों यहाँ बैठो, मैं आप दोनों की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक किसान था, उसके बहुत सारे बेटे थे। कहीं कहानियों में लिखा है कि चार बेटे थे। वो जब मरने वाला था किसान, तो उसने अपने चार बेटों को बुलाया और चारों बेटों को बार बार कहा कि ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनको बारी बारी गड्ढे को तोड़ो। चारों बेटों ने बार बार कोशिश की लेकिन वो लकड़ियों का गड्ढा नहीं टूटा। फिर उसके बाद उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कहा कि ये लकड़ियों का गड्ढा खोल दो। जब लकड़ियों का गड्ढा खोल दिया गया, उसने फिर अपने चारों बेटों को बारी बारी बुलाया और कहा कि ये लकड़ियाँ तोड़ दो। तो जब गड्ढा खुल गया तो सारी लकड़ियाँ जो थीं वो बारी बारी उन्होंने तोड़ी और वो सबसे टूट गईं। तो उन्होंने पूछा, अब्बा जान ये क्या माजरा है? पहले तो लकड़ियाँ नहीं टूट पा रही थी जब गड्ढे में थी, लेकिन अब कैसे टूट गई हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा था कि जब तक तुम चारों भाई मिलके रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा और हमेशा तुम कामयाब रहोगे। लेकिन अगर तुम इन लकड़ियों की तरह अलहदा हो गए और अकेले अकेले हो गए तो हर बंदा तुम्हें आसानी से चोट पहुंचा सकेगा, तुम्हारा फ़ायदा उठा सकेगा और तुम्हें हमेशा नुकसान पहुँचा सकेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं इत्तफाक में बरकत है। अगर आप अपने डॉल के साथ मिलके खेलती तो ये सब कुछ मत होता। और अब डॉल भी टूट गई है, अब आप इंजॉय भी नहीं कर सकती, खेल भी नहीं सकती। इस कहानी सुनाने का मकसद आप दोनों बहनों को ये है कि आप दोनों बहनें हमेशा मिलकर रहें, स्कूल जाएं, बाहर जाएं, कहीं जाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, आप में हमेशा प्यार मोहब्बत कायम रहेगी। लेकिन अगर जिस तरह आप डॉल के ऊपर से लड़ी हो और डॉल भी तोड़ दी और नुकसान भी किया और अब मुंह सुजा के मेरे साथ दोनों बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अब बस पता नहीं क्या हो गया, कोई नहीं मैं नई डॉल ले दूंगी आप दोनों को, लेकिन हमेशा आज ये प्रॉमिस करें कि दोनों बहनें आप इत्तफाक से रहेंगी। कभी चीज़ों के ऊपर से मत लड़ना, कभी भी नहीं, अब वन बाय वन अपनी टर्न के ऊपर आप दोनों ने खेलना, ठीक है? प्रॉमिस करें। और अबरिश, आपने भी बहनों के साथ फाइट नहीं करनी है। और आबिया, अबरिश छोटी बहन है, हमेशा बड़ी बहनों को छोटी बहनों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप भी प्रॉमिस करें कि हमेशा मिलके रहें। जिस हमारी गुड़िया आदि होगी, अगर आप भी वैसे आ जाओगे तो आपको भी लोग वैसे ही चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुझसे भी पक्का प्रॉमिस करें और अपने मम्मा पापा से भी, और मिलजुल के रहें। बाय बाय।